हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा कल ब्लॉग नहीं आया, उसका एक ही रीजन है कि मैं बिजी हूँ और इधर उधर मैं शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ। और दोस्तों, मैं बोल रहा था कि वॉल पेंटिंग मुझे करना है, बट वो भी नहीं हुआ मेरा। और जो मैंने ऑफिस वाला जो बोर्ड बना रखा था, उसको मैंने अभी तक दिया भी नहीं है, क्योंकि मैंने उसे कम्प्लीट भी नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों, मेरा थर्माकोल वाला वर्क चल रहा था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। और चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पंडाल आज दिखाऊंगा जहां बना हुआ है, और मेरा जो पेंटिंग मैंने बनाया था थर्माकोल पे, वो लगा हुआ है वहां पर, तो वो दिखाऊंगा दोस्तों। और कैसा लग रहा है वहां पे वो लगने के बाद, वो आपको दिखा दूंगा। तो चलिए सीधे पहले वहीं पे जाएंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे, क्योंकि अभी लाइट आई है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि अपना वॉल पेंटिंग है जो, उसको करेंगे, क्योंकि ऑफिस वाला जो वर्क है उसको हम लोग बाद में कभी करेंगे, क्योंकि उसको मंडे को देना है, तो मंडे तक मैं कर ही लूंगा। अभी फिलहाल मुझे जरूरी है ये वॉल पेंटिंग को। और मैंने दुर्गा माँ का मैंने बनाया था सॉफ्ट पेस्टल से, उसे भी मैंने अपलोड नहीं किया है, और अभी मुझे लगता है उसे नहीं अपलोड करूंगा और सीधे वॉल पेंटिंग को ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आज। वैसे मुझे सब ये सब करना है, मैंने आपको प्लान बता दिया क्या क्या करना है। पहले जाएंगे वहां पंडाल के पास, वहां से लौट के फिर अपना ये वॉल पेंटिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वैसे यहाँ के सारे लोग चले गए हैं, बंगाल से आए हुए थे फर्नीचर वाले, वो लोग तो कब का चले गए हैं। और मैंने बाइक जो है बाहर रखा है, क्योंकि मैं बाहर गया था एक बार। अब सीधे तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ का ऐसा लग रहा है, ऊपर में जो दुर्गा माँ का है ऊपर में लगा हुआ है, और ये किनारे किनारे जो दोनों पेंटिंग्स मैंने बनाई थी थर्माकोल पे, वो लगा हुआ है। तो देखिए आप, अब कैसा लग रहा है ये। मुझे लगता है थोड़ा सा छोटा हो गया ये, क्योंकि और बड़ा होना चाहिए था, स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यहाँ का, और मिस्त्री लोग इसको ठीक से नहीं चिपकाए, उसको बीट के लिए छोड़ना चाहिए था एक एक दो दो इंच कम से कम किनारे। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया वापस। अब चलिए अपना काम स्टार्ट करेंगे, अपना वॉल पेंटिंग जो करना है। वैसे बैकग्राउंड में जो आवाज सुनाई दे रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि अभी दशहरा तक ये पूजा होते रहेगी, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक यहाँ पूजा होते रहती है, वो भी स्पीकर लगा के। तो चलिए अब अपना स्टार्ट कर देंगे, पहले मैं खाना उना खा लूंगा, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। वैसे दोस्तों, वहां पे मंदिर जगह बहुत ज्यादा लेट हो गया, काफी तारीफ कर रहे थे लोग, और बोल भी रहे थे कि थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, बट अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम और जबरदस्त काम करेंगे। जबरदस्त काम करने के लिए दोस्तों जबरदस्त मनी भी लगता है, बट वो लोग देना नहीं चाहते हैं। फिलहाल तो दोस्तों अपना खाना उना खाना है, उसके बाद अपना वॉल पेंटिंग वाला जो ड्राइंग है, उसे पहले स्केच है, उस स्केच को कंप्लीट करना है। आज कोई भी हालत में उस स्केच को कंप्लीट करना ही है, वैसे सोचा है। वैसे मेरा सोचा हुआ काम नहीं होता है, वैसे बहुत मैंने ट्राई किया है, जो चीज मैं बोलता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। तो चलिए अब क्या होगा वो आगे पता चलेगा। दोस्तों, मैंने खाना खा कर डायरेक्ट स्केच स्टार्ट कर दिया था, और काफ़ी टाइम हो गया मैं स्केच कर रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा पार्ट है ना, इसी वजह से स्केच करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, और इमेज थोड़ा सा छोटा है, और जो इसका ग्रिड मैंने बनाया है वो बहुत छोटा छोटा है, इसीलिए दोस्तों स्केच करने में बहुत टाइम लग रहा है। और मैंने कितना स्केच किया है ये देखो, अभी तक मैंने इतना ही स्केच किया है। तो फिलहाल थोड़ा सा चाय भी पी लेते हैं, उसके बाद दोस्तों शाम रात होने तक स्केच करेंगे, क्योंकि बहुत दिक्कत भी हो रहा है इसको स्केच करने में, और मुझे लगता है आज कंप्लीट कर दूंगा शायद एक साइड का, मतलब दुर्गा माँ को। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मैं फिलहाल चाय वगैरह पी लेता हूँ उसके बाद ही, और अभी दोस्तों टाइम हो रहा है 3:30, तो और बादल भी छा रहे हैं दोस्तों। वैसे बारिश तो नहीं होगी, बट बादल छाए हुए हैं। दोस्तों फिर से एक घंटे के बाद फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और एक घंटे के बाद देखिए दोस्तों इतना ही मैंने
इसे ड्रॉ किया है। बहुत टाइम लग रहा है दोस्तों इसे स्केच करने में, क्योंकि इसमें अगर फुल टाइम मैं नहीं दूंगा तो फिर स्केच कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और मुझे कल इसे कंप्लीट करना है और कलर भी चढ़ाने का कोशिश करेंगे कल, क्योंकि अभी इसको जितना हो सके मैं अभी इसको पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा, वरना ये अपलोड नहीं हो पाएगा, दशहरा में ही इसे अपलोड करना है। तो दोस्तों फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसे कंप्लीट मैं आज कोई भी हाल में करूंगा ही करूंगा। और थोड़ा सा पानी प्यास लग गई थी, इसी वजह से मैं पानी पीने के लिए उतरा, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। तो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है दोस्तों बनाने में, और वैसे शाम भी हो चुकी है और वहाँ पे आरती हो रही थी, तो आज मैं आरती पे नहीं जा पाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको पहले कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही कहीं निकलेंगे। और आरती भी कंप्लीट हो गई है, तो थोड़ा सा बाहर निकलते, बाहर बहुत आवाज़ करता है ना दोस्तों, इसी वजह से मैं बाहर नहीं निकल रहा था। तो ये देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है, ये देखिए पूरा डार्क लग रहा होगा, और कोई भी हालत में मुझे इसे आज कंप्लीट करना है। पूरा तो स्केच नहीं होगा, बट दुर्गा माँ का जो स्केच है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो महिषासुर है उसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उसका हम लोग सुबह सुबह स्केच करेंगे तो कर लेंगे। तो कल मैं इसमें फुल टाइम दूंगा, कहीं नहीं निकलूंगा, और कल देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं बोलता भी हूँ और करता नहीं हूँ, तो आगे हो जाएगा, मतलब थोड़ा आदत को सुधारना पड़ेगा दोस्तों मुझे। तो चलिए फिर से स्केच करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने इतना ही ड्रॉ किया है इसे, और अभी मैं इसे कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि थोड़ा सा और बचा हुआ है यहाँ पे दुर्गा माँ का जो इधर साड़ी वगैरह है और इधर हाथ है, मतलब एक हाथ तो मैंने बना लिया है, और कुछ जो भी बचा हुआ है उसे सबको कंप्लीट करके उसके बाद खाना वाना खाएंगे, उसके बाद अपना सो जाएंगे। स्केच कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अभी हम खाना वाना पकाने के लिए चढ़ा देते हैं, वो पकते रहेगा और हम अपना काम करते रहेंगे। वैसे मेरे जो टैब है, टैब का बैटरी लो हो गया है, तो उसके वजह से दोस्तों मैं अभी काम नहीं कर रहा, तब तक मेरा टैब भी चार्ज हो जाएगा। तो चलिए मैं सब कुछ कर लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट ड्रॉ करूँगा, उसी को दिखाऊँगा आपको। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसे कम्प्लीट कर ही दिया, कहने का मतलब है कि साड़ी छूट गया है, बस साड़ी को मैंने बनाना था, बस यहाँ से मैंने अधूरा कर दिया है। और दोस्तों अभी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, इसलिए मैं इसको अभी छोड़ दे रहा हूँ। वैसे मैंने राक्षस का ये एक हाथ मैंने बना दिया है, ये देखो ये तलवार का डंटी है जो पकड़ने वाला होता है, और वहाँ पे गदा छूटा हुआ है। और दोस्तों ये कल पूरा कंप्लीट करके इसमें कलर स्टार्ट भी कर दूंगा मैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो फाइनली आपने देख ही लिया होगा मैंने कितना स्केच किया है, कल स्केच को मुझे कंप्लीट करना ही है कोई भी हालत में, और पेंटिंग स्टार्ट कर देना है। और दोस्तों आपने थर्माकोल वाला कटिंग तो देख ही लिया होगा कैसा लग रहा है पंडाल, ये भी ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए इसी तरह के कॉन्टेंट या वीडियो मैं बनाया करता हूँ। दोस्तों अगर आप भी वॉल पेंटिंग अगर करना चाहते हैं तो आप अभी से ही स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि धीरे धीरे आप मेरे वीडियो के थ्रू आप सीख ही जाओगे, इसलिए दोस्तों आज से ही स्टार्ट कर दो। मेरे साथ साथ मेरी वीडियोस देख के आप अगर काम करोगे तो आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा दोस्तों, और आप जल्दी सीख पाओगे। मैंने पहले वीडियो पे भी बता चुका है मेरा अलग टेक्निक है, जो कि मैं औरों से डिफरेंट करता हूँ कलर, और लोग को देखिएगा, आपकी ऑयल पेंटिंग हो या फिर एक्रेलिक हो या फिर इनामेल हो, वो लोग अलग टाइप का करते हैं कि पहले मतलब डार्क करते हैं उसके बाद लाइट टोन लाते हैं, बट मेरा वैसा नहीं है, मैं लाइट टोन से डार्क में जाता हूँ। इसीलिए दोस्तों इस टिप्स को आप फॉलो कीजिए, और आप इसमें है कि आप तुरंत सीख पाओगे, और वो वाला ट्रिक जो है वो बहुत हार्ड होता है,
जो कि आप डार्क को फिर लाइट करते ले आओगे वो हार्ड लगता है। मैंने ट्राई किया है दोस्तों, मैंने भी पेंटिंग बनाया है उस टाइप का, बट वो डिफ़िकल्ट है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों अगर आप स्केचिंग वगैरह प्रैक्टिस करते हो तो डेली आप प्रैक्टिस करो, उससे है कि आपका आर्ट जो है इम्प्रूव होगा। और कलर के बारे में थोड़ा खुद से एक्सपेरिमेंट करो, कौन सा कलर मिलाऊं तो कौन सा कलर बनेगा वगैरह वगैरह, तो उस तरह से आप अपने से खुद से करोगे दोस्तों, वो बात अलग होता है। मैंने बचपन से दोस्तों मैंने किसी का देखा नहीं है, बट मैं किसी से इंस्पायर होकर मैं अपने आप को इस लायक बनाया हूँ कि मैं पेंटिंग बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइस इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, कल फिर मिलूँगा आपसे एक नए व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।